सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं यहाँ पर हाजिर हूँ एक और शेयरिंग ट्यूटोरियल के साथ। और ये ट्यूटोरियल होगा विद्वान जनवाल के पोर्ट्रेट में। तो आज मैं आपको पूरा शेडिंग ट्यूटोरियल दूंगा ए टू जेड। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को रिंग कर दीजिएगा। तो चलिए अब बिना कोई देरी करें हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एज यूजुअल आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी फेवरेट जगह स्टार्ट करने की। तो मैं यहाँ पर फोर्बी पेंसिल का यूज़ करूँगा आईज को शेड करने के लिए। अगर आप चाहें तो उससे ज़्यादा ग्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 6B हो गई, 8B हो गई, पर वो आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो मैं आई लैशेज भी फोल्ड पेंसिल का यूज़ करके कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर आईब्रो करना हूँ, आईब्रो के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर 6B पेंसिल। और यहाँ पर मैं स्ट्रोक दे लेके आईब्रो करूँगा जिस हिसाब से फ़ोटो में है। और मैंने यहाँ पर आपको रेफरेंस फ़ोटो भी अवेलेबल करवा रखी है ताकि आप लोग देख सकें। अब यहाँ पर थोड़ा सा लाइट एरिया था आईब्रो में, तो मैं उसको SB पेंसिल का यूज़ करके कर ले रहा हूँ। हम लोग अब मैं यहाँ पर आइस का सराउंडिंग एरिया करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल, क्योंकि आइस का सराउंडिंग एरिया थोड़ा सा डार्क होता है। और उस 2B पेंसिल का से शेड करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगा। मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगा। अगर आप चाहें तो आप पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प्स या फिर ईयरबड या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करके भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर अब SB पेंसिल का नीड पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने 2B पेंसिल से कर रखा था ब्लेंड करने के बाद, पूरे में फैल गया था उससे। हम लोग सेकंड एड में भी हम लोग को वही प्रोसीजर फॉलो करना है, वही हम लोग को 4B पेंसिल से शेड करना है, फिर हम लोग को आईब्रो करनी है 6B पेंसिल से। तो मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के एंड करूँगा और आप लोग से डायरेक्ट ये आइस को शेड करने के बाद ही मिलूँगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों आइस की शेडिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ से नोज़ को शेड करूँगा। और यहाँ पर पूरे में मैं 2B पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ जगह में लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जिसके कारण वो वाइट है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा, जिससे ब्लेंडिंग में वो स्टेबल हो जाएगा। और ये पिक मैंने विद्वान जनवाल के इंस्टाग्राम से लिया, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट मार लिया था। मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग भी कर लिया ब्रश की हेल्प लेकर। उसके बाद मैं यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ करके नॉस्ट्रिल को शेड करूँगा, क्योंकि नॉस्ट्रिल थोड़े से डार्क होते हैं, तो उसके लिए मैंने डार्क पेंसिल यूज़ करी है। और फिर से मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था, उसके लिए मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया ताकि वो लाइट हो जाए। अब मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ से पूरे को ब्लेस के शेडिंग दे दूँगा। और हम लोग को अच्छे से एकदम पेशेंसली शेडिंग करनी है। और जहाँ जहाँ डार्क हो जाएगा तो हम लोग उसको 2B पेंसिल के यूज़ से ओवर शेड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर इसको टिश्यू पेपर की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। अच्छे से ब्लेंड करना है, थोड़े से भी लंप्स नहीं रहने चाहिए, जिससे कि आपको पूरी स्मूथ ब्लेंडिंग मिल जाए। मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया। अब मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा। आप देख सकते रेफरेंस फ़ोटो में यहाँ पर साइड में और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जगह पर डार्क है, तो मैं उधर 2B पेंसिल का यूज़ करके शेड कर देता हूँ। हम लोग को शेडिंग, एक टिप दे रहा हूँ, हम लोग को शेडिंग बहुत पेशेंसली करनी पड़ेगी, क्योंकि तब हम लोग पेशेंसली करेंगे तो हमारी शेडिंग एकदम स्मूथ होगी। और अगर स्मूथ होगी तो हम लोग तब ब्लेंड करेंगे तो और स्मूथ हो जाएगी, जिससे कि हमारी ड्राइंग थोड़ी अच्छी, ज़्यादा अच्छी झलकेगी। मैंने अब यहाँ पर 2B पेंसिल से ओवर शेड करके इसको टिश्यू पेपर की हेल्प से ब्लेंड भी कर दिया है। आप और याद रखिएगा, आप अच्छे से ब्लेंड करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। अब मैं यहाँ पर मुस्टैच इसको शेड करूँगा, और इसके लिए मैंने लिए यहाँ पर 4B पेंसिल। 4B पेंसिल इसलिए क्योंकि मुस्टैच ज़्यादा डार्क नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने 4B पेंसिल का यूज़ करके मुस्टैच को स्ट्रोक्स देकर ही शेड करना है हम लोगों को। मैं पहले भी आपसे बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, जो मैंने 2 वॉइस ओवर की वीडियो बना चुका हूँ, उनमें मैंने बताई थी
कि हम लोग को स्ट्रोक्स का स्ट्रोक दे दे के हम लोग को शेड करना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों मोस्टैचेस को शेड कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ डार्क था वहाँ पर मैं 4B पेंसिल यूज़ करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रेफरेंस फ़ोटो से कि ये पूरे में पूरी बियर्ड और मोस्टैचेस पूरी डार्क नहीं है। तो जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी डार्क है वहाँ पर मैं अपनी तरफ से डार्क कर लूँगा। मैं यहाँ पर धीरे धीरे मोस्टैचेस का डार्क बियर्ड का डार्क पार्ट मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं जो लाइट वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करूँगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2B पेंसिल, क्योंकि ये ज़्यादा डार्क नहीं है, पर मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर देके अप्लाई करके थोड़ा सा करूँगा। और इसमें मैं डॉट डॉट यूज़ करूँगी, क्योंकि तब मैंने रेफरेंस फ़ोटो में ऑब्ज़र्व करा तो उसमें डॉट डॉट बियर्ड के थे। तो ये एक और टिप है कि हम लोग को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। अगर आप आउटलाइन और शेडिंग में दोनों में बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव करेगी। जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत हाई होती है, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल हाई करनी पड़ेगी अगर आप अच्छी आर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर बियर्ड भी लगभग 80% कम्प्लीट ही कर लिया है। और हम लोग को पेशेंस भी देना पड़ता है अपनी ड्राइंग के ऊपर, ताकि आपकी हर चीज़ स्मूथ हो और अच्छी डिटेलिंग हो पाए। और मैंने यहाँ पर बियर्ड को ब्लेंड कर दिया, और मैं पहले बता चुका हूँ कि बियर्ड और हेयर्स को बहुत ही हल्के से ब्लेंड करना चाहिए, वरना वो उनके स्ट्रोक्स पूरे आपके नज़र आने लगेंगे। अब मैं यहाँ पर लिप्स पे आ रहा हूँ। लिप्स के मैंने यहाँ पर फिर से यूज़ करी है 2B पेंसिल, क्योंकि लिप्स का एरिया होता है वो और स्किन से थोड़ा सा डार्क होता है, और अगर यहाँ पर कोई फीमेल फिगर होता, किसी ने लिपस्टिक लगा ली होती, तो मैं थोड़ा सा और डार्क शेड यूज़ करता। और अब मैं टीथ के अंदर का डार्क पार्ट था उसको कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैंने 2B पेंसिल से ही कर लिया है। अब मैं हेयर्स करूँगा। हेयर्स के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 8B पेंसिल। तो यहाँ पर मैं पहले भी आप लोगों को ट्यूटोरियल दे चुका हूँ कि हेयर्स को कैसे शेड करना चाहिए एकदम। और मैंने यहाँ पर अपना जो वीडियो होती है उसके हिसाब से इसलिए नहीं करा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग भी देख देख के बोर हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर ईजीएस्ट पैटर्न यूज़ करके कर लिया। पर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी स्ट्रोक्स लिए हैं। अगर आपके पास 8B पेंसिल ना हो तो आप 6B पेंसिल 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा डार्क हो तो आप कर सकते हैं। और हम लोग को हेयर्स में भी ऑब्जर्व करके करना पड़ता है, जैसे कि अगर ज़्यादा डार्क हेयर है तो हम लोग को 8B यूज़ करनी है, 10B यूज़ करनी है। अगर लाइट हेयर है तो 6B और 4B भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो उस हिसाब से आपको ऑब्जर्व कर करके हेयर्स को करना पड़ता है। मैं यहाँ पर धीरे धीरे हेयर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर वीडियो टाइम लैप्स भी कर दी है, क्योंकि अगर स्लोली स्लोली करता तो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि हेयर्स करने में अपने आप ही 20-30 मिनट लग जाते, इसलिए मैंने फुल लेटेक्स पे टाइम लैप्स कर दिया है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। और हेयर्स में आप मुझे कोई समझाने की बात भी नहीं, क्योंकि मैंने पहला ट्यूटोरियल दे चुका है। और अगर आप चाहें तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, आपको थोड़ी हेल्प भी मिलेगी हेयर ड्रॉ करने में। मेरा एक और ट्यूटोरियल है शेडिंग वाला कैरी मिनाटी के ऊपर, तो आप वो भी चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर आप चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उन वीडियोज़ का। अब मैं यहाँ पर नेक के एरिया में आ चुका हूँ, फिर मैंने 8B पेंसिल से बेस क्लियर शेडिंग देकर उसको ब्लेंड कर लिया टिश्यू पेपर की हेल्प से, और यार डिटेलिंग थी नहीं तो इसलिए मैं डिटेलिंग भी नहीं करी। अब हेयर्स को ब्लेंड कर दिया है और ईयर्स को शेड कर दिया है, और जितना भी मुझे यहाँ पर कुछ भी कमी लग रही थी मैंने उसको भी ठीक कर लिया। मैं यहाँ पर क्लोथ पर आ चुका हूँ, तो क्लोथ पे वो यहाँ पर ब्लैक जैकेट थी, तो मैंने यहाँ पर यूज़ करी 8B पेंसिल, और थोड़े थोड़े बीच में स्पॉट्स भी थे वाइट, तो मैंने छोड़ दिया ब्लेंडिंग में, वो थोड़े से डार्क हो जाएंगे, ऑटो फिल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं क्लोथ के ऊपर भी एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, तो मैं आप लोगों के लिए क्लोथ के लिए भी एक ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा,
जैसे कि आपको क्लोज में जो डिटेलिंग होती है, टेक्सचर्स होते हैं अलग अलग, सिलवटें होती हैं, वो बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है बिगनर्स को, उसकी एक ट्रिक भी होती है, तो उस ट्यूटोरियल में आपको दे सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्लोथ भी पूरे, जैकेट भी पूरी कर ली है, तो लगभग मेरी ड्राइंग 100% कम्प्लीट ही हो चुकी है। और लगभग अब मेरी ड्राइंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने जहाँ जहाँ डिटेलिंग ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी थी वहाँ पर कर ली है, और जितने भी मुझे सेटिस्फेक्शन के लिए जो करना था कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को रिंग कर दीजिएगा। मैं अगली बार आपके साथ फिर से हाजिर रहूँगा नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।